हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वनीला आइसक्रीम से बनने वाले दो बहुत ही आसान मिल्क शेक की रेसिपी लाई हूँ। और इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत कम चीज़ों में बन करके तैयार हो जाते हैं और टेस्ट बेहद लाजवाब। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे जिसके बाद आप अलग अलग तरह के अपने पसंदीदा मिल्क शेक बना सकते हैं और ग्लास डेकोरेशन के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जो आपके मिल्क शेक के प्रेजेंटेशन को बहुत यूनिक बना देगा। तो आइए इसे स्टार्ट करें। हमें थोड़े से कटे हुए आम एक ब्लेंडिंग जार में लेने हैं। अब इसका हमें प्योरे बना करके तैयार कर लेना है। अब इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हम एक छोटे से बाउल में निकाल करके रख लेंगे क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल ग्लास डेकोरेशन में करनी है। अब इसमें अपनी पसंद से वनीला आइसक्रीम डाल करके इसको ब्लेंड कर लें। अब बढ़ते हैं ग्लास डेकोरेशन की तरफ। मैंने यहाँ पे मैंगो के कुछ स्लाइसेस को हार्ट शेप में काट करके ग्लास में अंदर की तरफ से हल्का सा प्रेस करके चिपका दिया है। और ऐसा आप अपनी पसंदीदा बहुत सारे फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं और अपने पसंद के शेप भी दे सकते हैं। अब हमने जो प्यूरे निकाल करके रखा है उससे ग्लास को इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। और ये ग्लास अब बिल्कुल रेडी है, अब इसमें सर्विंग की जा सकती है। तो सबसे पहले ग्लास में हमें वनीला आइसक्रीम ऐड करना है। अब इसके ऊपर हम ब्लेंड किया हुआ आम डालेंगे। अब पतले बारीक टुकड़ों में कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता के स्लाइसेस डालेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को आम को ब्लेंड करते टाइम भी डाल सकते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने ये होममेड तरबूज के छिलकों से बने हुए स्वीट सिगरेट ऐड किया है। इसी तरीके से आप स्ट्रॉबेरी, बनाना, एवोकाडो या फिर अपने पसंद के बहुत सारे फ्रूट्स के साथ इस तरह का मिल्क शेक बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए आधा कप दूध एक ब्लेंडिंग जार में लिया है, 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के और 4 ओरियो बिस्किट जिसे हमने इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब शेक की फाइनल सर्विंग करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लास के ऊपरी सिरे में बाहर की तरफ इस तरह से शहद लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए और मुझे इसमें क्रश्ड किए हुए ओरियो बिस्किट को चिपकाना है। आप शहद के जगह पे कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी चिपचिपे होते हैं। इससे भी किसी भी तरह के स्प्रिंकल, डेसिकेटेड कोकोनट, क्रश्ड किए हुए चॉकलेट या फिर छोटे टुकड़ों में कटे हुए नट्स को भी आप इस तरह से चिपका सकते हैं। तो ग्लास बिल्कुल रेडी है, अब इसमें ब्लेंड किया हुआ शेक डालेंगे और साथ ही साथ 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम के। अब इसमें थोड़े से क्रश्ड किए हुए ओरियो बिस्किट को स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही साथ 1 ओरियो बिस्किट। आप चाहें तो शेक बनाने के लिए ओरियो बिस्किट के जगह पे अपने पसंदीदा केक स्प्रिंकल या अपने फेवरेट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मैंगो मस्तानी और ओरियो मिल्क शेक को ज़रूर से इंजॉय करें और चैनल पर इसी तरह बने रहें क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आने बाकी हैं। थैंक यू।